नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि 90 दिन में यानी नवंबर से कैसे आप तैयारी करेंगे और 90 पार कैसे करेंगे, यानी 90 दिन में आपको 90% पार करना है। पहले यूपी बोर्ड कठिन होता था जिसमें 90% लाना बहुत मुश्किल का काम होता, लेकिन अब यूपी बोर्ड कठिन नहीं रहा क्योंकि अब यूपी बोर्ड की कॉपी आसानी से चेक होती है। मुझे पता है कॉपी कैसे चेक होती है, इसलिए बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, नंबर हमेशा कट ही जाता था। यदि आप 70 का पूरा करके आए हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता था कि एक एवरेज निकाल के चलता हूँ कि आपको 55 से 60 नंबर मिलता था, इससे ज़्यादा नहीं मिलता था, किसी कीमत पर नहीं मिलता था। भाई मैंने भी पेपर दिया है, उस टफ जमाने में मैंने भी पेपर दिया है, मुझे भी पता है कैसे नंबर मिला है, तो इसीलिए बता रहा हूँ। लेकिन आज के समय पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखिए, यदि आज के समय आप 70 में 70 करके आते हैं तो आपको कुछ नहीं तो 65 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। इस तरह कॉपी चेक होने लगी है, CBSE बोर्ड के तर्ज पे यहाँ पे कॉपी चेक होने लगी है। पहले बहुत कठिन कॉपी चेक होती थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको 90% तो लाना होगा, 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप ला देंगे। बस उसके लिए एक रणनीति आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, खास होनी चाहिए, जो आपको 90% दिलाने में हेल्प करे। ऐसी रणनीति ना हो कि फालतू हो, बकवास हो, ऐसी रणनीति होनी चाहिए जो आपको हेल्प करे, आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो आइए उसी रणनीति को समझते हैं। तो अच्छी रणनीति के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अट्टी आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाते हैं कि आखिर कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे 90 दिन में 90% पार होगा, उसके बारे में समझते हैं। एक पूरा मैंने ये आपके लिए तैयार किया है, पूरा एक जो है ढंग से बैठ के समझ के, पूरा चैप्टर वाइज समझ के, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखा है, उसको आपको समझना होगा। कैसे करें तैयारी, नवंबर से कैसे होगी तैयारी, आइए अब हम आपको बताते हैं। यहाँ पे पहले क्या लिखा है, 90 दिन, यहाँ 90 दिन लिखा है। तो नवंबर से आपको करीब 90 दिन का समय मिल जाएगा तैयारी के लिए, 90 दिन का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि देखिए पूरा आपको नवंबर मिलेगा, पूरा दिसंबर मिलेगा, पूरा जनवरी मिलेगा, तो मान के चलिए 90 दिन मिल जाएगा। और आपका एग्जाम फरवरी में होगा तो फरवरी में भी 15 फरवरी के बाद ही होगा, यानी वहाँ भी 15 दिन आपको मिल जाएगा। लेकिन उस 15 दिन में आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है। मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा वो मैं प्रोवाइड करूँगा, मेरी वेबसाइट पर मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ मिल जाएगा। तो उसकी चिंता मत करिए, वो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल रणनीति को समझिए, कैसे रणनीति बनाना है, कैसे तैयारी हो पाएगा 90 दिन में, कैसे 90% पार होगा। तो 90 दिन टाइम बचा, अब इस 90 दिन को दो पार्ट में तोड़ना है। पहला पार्ट है 70 और दूसरा है 20, पहला है 70 और दूसरा है 20। तो 70 और 20 का क्या कांसेप्ट है, 70 दिन आपको पूरा का पूरा क्या करना है, सिलेबस कवर करना है, और जो बचा 20 दिन है इसमें आपको पूरा का पूरा डिवीजन करना है। अब कैसे सिलेबस कवर होगा उसको भी समझते हैं। 70 दिन में आपको कैसे सिलेबस कवर करना है, 70 दिन में सिलेबस कवर करने के लिए आपको रोज रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास 10th में है तो आप 6 घंटे स्टडी शुरू कर दीजिए, और यदि क्लास 12th में है तो आप 8 घंटे की स्टडी शुरू कर दीजिए। यदि इस तरह करेंगे तो आपका 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 70 दिन में आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब सिलेबस ही पूरा नहीं कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि आप रोज चैप्टर पढ़ते जा रहे हो पीछे भूलते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कैसे पढ़ना है, इस 70 दिन में जैसे मान लीजिए आज आपने शुरुआत किया, आज आपने कुछ पढ़ा, गुलाम सलाह पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, थोड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ा, जो भी पढ़ा, तो आज पढ़ना है, उसके जस्ट अगले दिन सुबह सुबह उठ के आपको रिवाइज करना है। आज का जितना भी चीज़ है वो आपको कल आने वाले कल को रिवाइज कर लेना है। इस तरह आपको काम करते चलना है जिससे आपका रिवीजन बरकरार रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या होता है, यदि आप 2 हफ्ते लगातार पढ़ लो, एक भी दिन रिवाइज ना करो, उसके बाद पीछे पलट के देखोगे ना तो आपको लगेगा ये तो मुझे याद ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। इस तरह आपको अंदर फील होना शुरू हो जाएगा, और जब इस तरह फीलिंग आती है ना तो बहुत बुरा फीलिंग होता है, फिर आप जल्दी पढ़ नहीं पाओगे, आपको लगेगा यार मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मुझे पीछे सब बोला जा रहा हूँ, क्या मतलब है पढ़ाई का। तो इसीलिए आपको रिवीजन करते हुए चलना है, पर डे आपको 1-1.5 घंटे रिवीजन के लिए निकालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 70 दिन में कैसे आपको सिलेबस कवर करना है। अब 70 दिन में आप सोच रहे होंगे इतना पूरा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर होगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 70 दिन में आप ढंग से शिद्दत से पढ़ लिए ना तो 70 दिन में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में 12 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, और 12 चैप्टर आप नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंट 10 चैप्टर कवर करना है। कितना चैप्टर, 10 चैप्टर, 12 में से आपको 10 चैप्टर कवर करना है, 2 चैप्टर आप छोड़ सकते हो। अब कैसे चैप्टर छोड़ना है, अब ऐसे चैप्टर नहीं छोड़ना है जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसे चैप्टर को कभी नहीं छोड़ना है। मैंने पूरा लिस्ट डाल रखा है कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन है उसको तो कभी मत छोड़ना, वहाँ से आपको जरूर तैयारी करना है। जो बचे हुए 2 चैप्टर हैं, ऐसे चैप्टर होते हैं 1-2 चैप्टर जिनसे ऑप्शनल में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, उस चैप्टर को आप इग्नोर कर सकते हो। ऐसे सारे चैप्टर की मैं लिस्ट जल्द ही प्रोवाइड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने व्हाट्सएप चैनल पर वीडियो भी लाऊंगा, तो उसके लिए टेंशन मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना काम करना है, आपको सारा मटेरियल फ्री में मिल जाएगा।
तो 70 दिन में 12 चैप्टर मान लीजिए है, तो 10 चैप्टर आप कर सकते हो, हर सब्जेक्ट का 10 चैप्टर आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 चैप्टर आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप पहले पूरी कोशिश करिए कि आपका पूरा चैप्टर हो जाए और साथ में रिवीजन चलता रहे, थोड़ा रिवीजन। थोड़ा रिवीजन का क्या मतलब हो, आज जो पढ़े हो उसको कल रिवाइज करते चलिए, इस तरह करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है, जब 70 दिन आपका हो जाए, सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको ये बचा हुआ 20 दिन जो है, ये 20 दिन, इस 20 दिन में आपको क्या करना है, रिवीजन, टोटल रिवीजन करना है। चैप्टर 1 से शुरू करना है, चैप्टर 12 तक जाना है, मतलब जितने भी आपके चैप्टर हैं XYZ, मैं तो 12 एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, जितने भी आपके चैप्टर हैं सबको रिवाइज करते जाना है, रेगुलर रिवाइज करते जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले फिजिक्स खत्म करते हैं फिर केमिस्ट्री खत्म करते हैं, इस तरह नहीं करना है, आपको रेगुलर हर सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट आप लगातार पढ़ोगे तो आपको बोरिंग लगेगा और फिर आप मोबाइल में फंस जाओगे, सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाओगे और ऐसे ऐसे आपका टाइम बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए आपको उसमें नहीं फंसना है, आपको जो है टॉपिक चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, जिससे आपका जो है इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे, सब्जेक्ट पढ़ने का मन लगा रहे, वरना बहुत दिक्कत होगी। तो 70-20 वाले कॉन्सेप्ट से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 90% कोई रोक नहीं सकता है। अब तो कॉपी ईजी हो गई है, चेक करना बहुत आसान हो गया है, चेक बहुत अच्छे से होता है। आप 25 वर्ड का लिखने का है, 25 वर्ड लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा होने लगा है, तो वहाँ पर टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो 90 दिन की तैयारी हमेशा इसी तरह होती है, 70 दिन सिलेबस कवर करना और 20 दिन जो है आपको रिवीजन करना, इस तरह तैयारी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, यदि आपकी तैयारी 0 है, 0, नीलबट्टा सन्नाटा, एक भी सब्जेक्ट एक भी चैप्टर ढंग से तैयार नहीं है, तो मैं आपको पूरा यही कहूँगा कि आप स्कूल मत जाइए, क्योंकि स्कूल जाने से अब आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि केवल 90 दिन बचा है, इस 90 दिन को आपको ढंग से यूटिलाइज करना है। आप स्कूल कॉलेज में जाओगे, दोस्तों के साथ रहोगे, समय बर्बाद करोगे, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी टीचर आपको अब शुरू से नहीं पढ़ाने वाला है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यदि आप घर पर रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, YouTube से पढ़ पाएंगे, YouTube पे वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। हमारे चैनल पे सब कुछ उपलब्ध है, यहाँ से देख सकते हो, या आपको जो भी मन करे, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, जहाँ भी पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो, मेरा कोई वो नहीं है। तो 0 प्रिपरेशन आपकी 0 है तो आपको बिल्कुल स्कूल नहीं जाना है, बंद कर दीजिए, स्कूल मत जाइए। यदि आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है, जैसे 12 चैप्टर में 6 चैप्टर तैयार है, तब आप स्कूल जा सकते हैं, तब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, उसके बाद स्कूल से आने के बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि बिल्कुल तैयारी नहीं तो आप मत जाइए, मैं तो एकदम मना करूंगी कि मत जाइए। इस तरह आपका जो तैयारी है जनवरी के लास्ट तक, 30 जनवरी तक आपका इस तरह कंप्लीट हो जाएगा, आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि हाँ मैं 90% ला सकता हूँ। उसके बाद में आपको सिर्फ मॉडल पेपर सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं उसको हमारे चैनल से देखना है या कहीं अलग से देखना है, सब कुछ आपको कर लेना है, तैयार कर लेना है। मैं आपको पिछले 3-4 साल का पेपर दे दूंगा, क्योंकि 3-4 साल के पेपर से बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, सारा कुछ आएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट का मैं टॉपिक डाल दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। दिक्कत अभी यही है कि पढ़ाई आप कैसे कर रहे हैं, तो ढंग से पढ़ाई करिए, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, अब आ गया है समय खत्म करने का। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक मोटिवेशन दूंगा, और आपके रिलेटेड ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो क्या करना है। यदि आपको जिंदगी समझना है तो पीछे देखिए, और यदि जिंदगी जीना है तो आगे देखिए। अब यदि आपको अपना जीवन समझना है तो आप अपने पीछे देखिए, पीछे आपने कितना समय बर्बाद किया। जुलाई से पढ़ना शुरू करते तो आप बहुत सारी तैयारी कर चुके होते, लगभग अब तक तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी होती, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया, यानी आपने समय बर्बाद कर दिया। तो यदि जीवन देखना है कि आपका जीवन कैसे जा रहा है, तो आप पीछे देखिए कि पीछे आपने क्या किया है, क्या गलतियाँ की है, और यदि ज़िंदगी को ढंग से जीना है तो आगे देखिए, क्योंकि आगे अभी आपके पास समय है, अपना भविष्य बनाने के लिए समय है। आप टॉपर अभी बन सकते हो, 90% ला सकते हो, स्कूल में टॉप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 90 दिन बहुत होता है। तो इसीलिए अभी आपके पास समय है, ज़िंदगी बनाने के लिए आगे समय है। तो यदि ज़िंदगी जीनी है तो आगे देखिए, समझना है तो पीछे देखिए। इसी मोटिवेशन के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कॉन्टेंट के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मॉडल पेपर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी। अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।